बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को वेलकम करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो टॉपिक हैं, मैं वन बाय वन दोनों टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा पहला टॉपिक शहजाद उर्फ कट्टू कार चोर गैंग है। ये चार रुकनी गैंग था जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नई गाड़ियाँ, नए मॉडल की गाड़ियाँ चोरी करके उसके बाद KPK में बेचते थे। ये शहजाद, फयाज, अशफाक और मलिक हुसैन, ये लंडी कोतल खैबर का है जो मलिक हुसैन है। तो इनसे हमारे एक्टिंग DSP मेहदी काजमी साहब के अपनी टीम के साथ, अब्बास भट्टी और मुश्ताक के साथ मिलके, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने गैंग बस्ट किया है और इसमें जो रिकवरी की है 1,93,00,000 की गाड़ियाँ हमने इसमें रिकवर की हैं। आज़म कसाई एक बदनामे ज़माना कार चोर है। इस पर गाड़ी चोरी करने के सैकड़ों मुकदमात हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद होगा निश्तर कॉलोनी के इलाके में कार चोरों और पुलिस के दरमियान क्रॉस फायर हुआ था और क्रॉस फायर के दौरान एक कार चोर अपने साथियों की गोली से हलाक हो गया था। वो पूरे गैंग को भी हमने ट्रेस आउट कर लिया है और वो जिसकी गोली से वो कार चोर मरा था, आज़म कसाई उस बदनामे ज़माना कार चोर का नाम था, वो भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे CCPO साहब जनाब एडिशनल IG फयाज अहमद देव साहब, हमारे DAG साहब इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन जनाब इमरान किश्वर साहब, हमें एक काम करने का अंदाज़ दिया है कि जिसमें दिन रात काम करके हमने इंशाल्लाह ताला इस शहर में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी को कंट्रोल करना है और वो नतीजे आपके सामने हैं जी। इसके अलावा जिन मुअज्जज़ शहरियों की गाड़ियाँ चोरी हुई थी और हमने बरामद की हैं, आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गाड़ियाँ भी, उनको गाड़ियों की चाबियाँ उनके हैंड ओवर करेंगे। मैं आपका मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच। LS Department, जिंदाबाद। पंजाब पुलिस, जिंदाबाद।